हाल ही में 300 एपिसोड पूरे करने वाला सोनी सब का शो वागले की दुनिया लगभग असल जिंदगी जैसे अपने अफसाने और प्रासंगिक कथानक के कारण दर्शकों का चहेता बना हुआ है। इस शो ने अपनी शुरुआत से ही टेलीविजन के कोलाहल को तोड़ते हुए आम आदमी की दुविधाएं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे और वे आकांक्षाएं दिखाई हैं जो सीधे भारतीय परिवारों से मिलती जुलती हैं। अपने शो को मिले प्यार से बेहद खुश वागले की दुनिया के कलाकारों ने अपने शो की प्रमोशन के लिए नागपुर आए। इस दौरान हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। नए किसे ये जो धारावाहिक है ये सभी से परिचित है। 300 एपिसोड जो है इन्होंने पूरे किए और आज जो है ये अपने प्रमोशन के लिए ऑरेंज सिटी नागपुर में आई है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राघवन जी जो कि राजेश वागड़े का जो किरदार निभा रहे हैं उनसे जानना चाहोगी कि 300 एपिसोड आपने किए हैं, बहुत अलग अलग कहानियाँ जो है हमने भी देखी है और बहुत कहानियाँ हमें भी बहुत अच्छी पसंद आई है जिससे छोटे बच्चों को एक अच्छा मैसेज भी गया है हंसी के साथ साथ, तो क्या बताओगे आप ही ने जवाब दे दिया कि एपिसोड्स आपको अच्छे लग रहे हैं और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में एक शो पूरा परिवार साथ बैठकर देखता है। ये इनफैक्ट सखी चिन में वाज टॉकिंग अबाउट सखी स्टॉकर, तो वी शुड मेंशन दैट आल्सो। जो माँ बाप के सामने बेटियाँ जनरली नहीं, एग्जैक्टली तो यही है कि ऐसे बहुत जिसे हम जिन्हें हम टैकल करते हैं, तो जैसा आपने कहा कि आप भी देखते हो तो ये उसमें से थोड़ी सी जन जागृति करने की कोशिश है। देखिए मतलब एक जैसा वो क्या गिलहरी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया था राम सेतु बनाने में, तो उस तरह का एक कार्य कर रहे हैं वागले की दुनिया कि कोई बड़ा संदेश नहीं दे रहे लेकिन मेरे ख्याल से धीरे 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 कुछ ना कुछ हम कहना चाह रहे हैं जिससे जिससे समाज जो है वो सुदृढ़ होगा। कहानियाँ मतलब हर एक एपिसोड में रहती है कि जिससे समाज को कोई संदेश दिया जाता है, लेकिन आपकी मम्मी और बेटी की केमिस्ट्री कैसी है, क्या बताओगे? मतलब बहुत ही यंग हमारी केमिस्ट्री फ्रेंड्स वाली है, ये मुझे परिवार दीदी बोलती है, और बहुत प्यारी केमिस्ट्री। आई थिंक हमें कभी एफर्ट नहीं लेना पड़ा अपना बॉन्ड बनाने के लिए, हम डे वन से ऑन स्क्रीन एंड दोनों में ही एक्चुअली हमें कई बार ऐसा बोलना पड़ता है कि अच्छा माँ बेटी लगो दोस्त मत लगो, तो वो होता है, बट अदरवाइज आई थिंक पूरी टीम की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है हमारी। 1980-90 का जो वागले की दुनिया, अब वो नए पीढ़ी नए किस्से लेके आए हैं, ठीक है, क्या बताना चाहोगे? आपने कभी वो एपिसोड देखे है सखी? हाँ, जी जी भारती मौसी ने दिखाया, जी भारती मौसी ने दिखाया ही, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तभी मैंने सब सारे एपिसोड्स देखे थे, होमवर्क किया था कि एग्जैक्टली है क्या, और जब सबको पता चला कि तो कहीं कहीं से किस्से भी आने लगे कि अरे ये वाला एपिसोड दे, ये वाला एपिसोड दे, वहाँ पे शाहरुख खान जी वो भी थे एपिसोड में, तो ये हाँ हाँ ऑफकोर्स देखा था। सबसे सीनियर किरदार जो है बड़ा चुलबुला सा है, हाँ अथर्वा, मजा आता है शूटिंग करने में। गुंडागर्दी ऑफ स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन विद्युत करके कैरेक्टर हैं, तो ये दोनों जब सेट पे होते हैं तो इनका अलग ही एक ट्रैक चल रहा होता है दोनों। हाँ बोलो। सो हम लोग बेसिकली जब हम दोनों के सीन्स होते हैं तो जैसे हमारा शॉट हुआ उसके बाद हमारा 15 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक होता है जब दूसरे होते हैं, तो वी हैव वो बॉल, उससे हम लोग खेलते हैं गार्डन में जाके, या गार्डन में सीन होते हैं तो उधर ही खेलते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी मस्ती होती रहती है, करते हैं। नई पीढ़ी के नए किस्से उन्हीं के जो है जाने हैं, वो आज नागपुर आए, उन्होंने श्री गणेश किया है, आज से नागपुर में प्रमोशन जो है स्टार्ट हुआ है, और आने वाले दिनों में और कई वागले के मतलब जो दुनिया है उसके किस्से हमें देखने मिलने वाले, देखते रहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।